नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर, निर्णय अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने अलंकार बताया, अब लेके चलते हैं आपको छंद की दुनिया में। छंद का शाब्दिक अर्थ होता क्या है, छंद कहते किसे, छंद के कुल कितने भेद हैं, इत्यादि बातें आपको हम इसमें बताते हैं। छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना। छंद का शाब्दिक अर्थ आच्छादित करना हुआ, ढक लेना, अर्थात किसी भी वाक्य या काव्य को उचित नियमबद्ध लयबद्ध तरीके में ढक लेना या उसे आच्छादित कर लेना ही क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। पूछा जाए छंद का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया, ध्यान दीजिएगा, छंद का प्रयोग या इसका प्रयोग पद्य में किया जाता है। पद्य में किया जाता है। छंद का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। छंद का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब पूछ लिया जाए छंद को क्या माना जाता है, छंद को वेद पुरुष का पैर माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है छंदौ तु पादौ, यह बात यास्क ने अपने निरुक्त में कहा था, छंद को वेद पुरुष का पैर कहा है। इसके बाद दोस्तों, छंद का काम क्या है, यह काव्य को गेय बनाते हैं, काव्य को गेय माने होता है गाने योग्य। छंद को गेय बनाते हैं, गाने योग्य बनाते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब छंद के अंग की तरफ बढ़ते हैं। छंद के अंग में पहला अंग है पाद या चरण। किसी भी छंद में सामान्य रूप से कितने चरण या पाद होते हैं, 4 चरण। आपको पता है कि पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, और ये चौथा है। 1 और 3 जो हैं ये विषम संख्याएं हैं, इसलिए 1 और 3 जो चरण है ये कौन से चरण हैं, विषम चरण हैं। 2 और 4 जो हैं सम संख्याएं, इसलिए ये जो चरण है यह कौन सा चरण है, सम चरण है। इस तरह से 4 चरण में 2 विषम चरण 1 और 3, 2 सम चरण 2 और 4। इसके बाद आता है दूसरा अंग इसी का छंद का, यति या विराम। यति या विराम किसे कहते हैं, यति माने होता है नाश, स्वरों का नाश जहां होता है उसे ही यति या विराम कहते हैं। स्वरों का नाश, ध्वनियों का जहाँ नाश होता है उसे क्या कहते हैं, यति या विराम कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्षण भर के लिए या क्षण भर सांस लेने के लिए
जहाँ रुकते हैं उसे क्या कहते हैं? यति या विराम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे गायक कभी गाना, गायिका कभी गाना गाते हुए उनको देखें आप, तो गाते समय करते क्या हैं, क्षण भर के लिए सांस लेने के लिए रुकते हैं फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो क्षण भर के लिए जहाँ स्वरों का नाश होता है, जहाँ क्षण भर सांस लेने के लिए रुकते हैं, उसी स्थित उसी परिस्थिति को किस नाम से जाना जाता है? यति या विराम कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों छंद के अंगों में आपका आता है गण। गण, गण माने होता है समूह। अब प्रश्न यह उठा किसका समूह? तो यह समूह जो है ये गुरु और लघु के तीन वर्णों का समूह। गुरु और लघु के तीन वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। जैसे देख लीजिए आप, ये गुरु है, ये गुरु है और ये लघु है। अब इन्हीं का आपस में का समूह जो है वही क्या है? गण है। जैसे लघु 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 हो सकता है, गुरु 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 हो सकता है, लघु गुरु गुरु हो सकता है, गुरु लघु लघु हो सकता है, लघु लघु गुरु हो सकता है, गुरु गुरु लघु हो सकता है, लघु गुरु लघु हो सकता है, गुरु लघु गुरु हो सकता है। कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इससे ज़्यादा और नहीं बन सकते हैं, आप चाहे जितना कोशिश कर लें। इसीलिए कहा जाता है गणों की कुल संख्या, गणों की कुल संख्या बराबर कितनी है? 8 है। कभी एग्जाम में पूछे गण किसे कहते हैं, तो लघु गुरु के तीन वर्णों का नियत समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। गणों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं रस के अंग, छंद के अंग की तरफ। छंद का नेक्स्ट चौथा अंग छंद के अंगों में आगे आता है आपका छंद के अंगों में आगे आता है आपका लघु और दूसरा आता है गुरु। लघु लगता कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा, एक मात्रिक स्वरों पर लगता है। एक मात्रिक स्वरों पर कौन लगता है? लघु लगता है। और द्विमात्रिक स्वरों पर, द्विमात्रिक स्वरों या त्रिमात्रिक स्वरों, एकमात्रिक स्वरों पर लघु लगता है और द्विमात्रिक या त्रिमात्रिक स्वरों पर आपका गुरु लगता है। एकमात्रिक स्वर के अंतर्गत कौन से स्वर आते हैं? जैसे आपके ह्रस्व स्वर आते हैं, ह्रस्व स्वर पर क्या लगेगा? लघु लगेगा। जैसे ह्रस्व माने छोटे होते हैं, छोटे स्वरों पर, छोटे स्वरों पर, जैसे ई उ री ली, इन पर क्या लगेगा? लघु लगेगा, लघु लगेगा इन पर। अगर ये किसी व्यंजन में जुड़े हों तो भी उस पर क्या लगेगा? यही लगेगा। जैसे क में अ जुड़ा तो क्या बना? क। इस पर भी क्या लगेगा? लघु लगेगा, क्योंकि ह्रस्व स्वर पर ही लगता है, व्यंजन पर ये नहीं लगता है। जैसे क में ई जुड़ा तो क्या बना? की बना, मतलब ह्रस्व स्वर या छोटे स्वर पर लघु लगेगा। क में अगर ऊ जुड़ा तो क्या बना? कु जुड़ा। और अगर यही र में ह्रस्व ऊ जुड़ा तो ये इस तरह से आता है,
लघु लगेगा। इसी तरह से क में अगर री जुड़ा तो क्या बना, क्री बना, क्या लगा, लघु लगा। इसी तरह से दोस्तों अगर किसी ह्रस्व स्वर के ऊपर चंद्रबिंदु लगा हो तो भी लघु ही लगेगा, जैसे ऊ लघु लगा, क लघु लगा। और द्विमात्रिक स्वर का मतलब है दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर, त्रिमात्रिक मतलब प्लुत स्वर। दीर्घ स्वरों पर क्या लगेगा, गुरु लगेगा, जैसे आ है क्या लगेगा, गुरु लगेगा, जैसे ई है क्या लगेगा, गुरु लगेगा, जैसे ऊ है क्या लगेगा, गुरु लगेगा। दीर्घ री का प्रयोग हिंदी जगत में किया नहीं जाता है, उसको ध्यान में मत रखिएगा। इसी तरह से ए है क्या लगेगा, गुरु लगेगा, ऐ है क्या लगेगा, गुरु लगेगा, ओ है क्या लगेगा, गुरु लगेगा, औ है क्या लगेगा, गुरु लगेगा। अगर ये किसी स्वर में भी जुड़े हों, जैसे क में आ जुड़ा तो क्या बना, का, तो दीर्घ स्वर पर गुरु ही लगेगा। क में जैसे ई जुड़ा तो क्या बना, की, दीर्घ स्वर है इसलिए गुरु लगेगा। क में जैसे ऊ जुड़ा तो क्या बना, कु बना। मान लीजिए अगर र में दीर्घ ऊ जुड़ा क्या बना, रू बना, गुरु लगेगा। ध्यान दीजिएगा, क में अगर ए जुड़ा तो क्या बना, के बना, क्या जुड़ेगा, गुरु जुड़ेगा। क में अगर ऐ जुड़ा तो क्या बना, कय बना, दीर्घ स्वर पर गुरु जुड़ेगा। मान लिया जाए क में औ जुड़ा क्या बना, कौ, क्या जुड़ेगा। इस तरह से ओ में भी ऐसे सेम लागू होगा। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, किसी भी, जैसे आप देखें अगर किसी भी स्वर के बाद अनुस्वार रहे या विसर्ग रहे तो इस पर गुरु लगेगा, जैसे पंकज। आपने देखा ईश्वर पर अनुस्वार है इसलिए गुरु लगेगा। जैसे हम कह दें अधः पतन, आपने देखा क्या इस अ के बाद विसर्ग है इसलिए इस पर लघु नहीं लगेगा, गुरु लगेगा। अनुस्वार और विसर्ग वाले स्वर के पर क्या लगेगा, गुरु लगेगा। इसी तरह से किसी भी ह्रस्व स्वर के बाद अगर आधा अक्षर आता है तो इस पर गुरु हो जाएगा, जैसे पक्व। आपने देखा इस ह्रस्व स्वर के बाद आधा अक्षर आया है इसलिए इस पर गुरु लग जाएगा, जैसे म के बाद आधा र भी है त भी है, क्या लग जाएगा, यही लगेगा, फिर आधे पे कुछ नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। इस तरह से आप लघु और गुरु का निर्धारण कर सकते हैं आसानी से, ध्यान में रखिएगा। ये तो रहे छंद के अंग, अब हम आपको छंद बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान में रखिएगा। छंद के भेद,
छंद के भेद। कभी पूछा जाए छंद के कुल कितने भेद, तो तीन भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है वर्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद, तीसरा है मुक्तक छंद। ध्यान दीजिएगा, हिंदी जगत में सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जाता है वह मात्रिक छंद से, लेकिन संस्कृत जगत में छंद से प्रश्न आता है वर्णिक छंद से। वर्णिक छंद कहते किसे हैं? जिस छंद का निर्धारण वर्णों के आधार पर किया जाता है, जैसे सवैया आदि हिंदी जगत में होता है। तो जिन छंदों का निर्धारण वर्णों के आधार पर होता है, जिन छंदों का निर्धारण वर्णों के आधार पर, उसे क्या कहते हैं? वर्णिक छंद। जिन छंदों का निर्धारण मात्रा के आधार पर, होता है उन्हें मात्रिक छंद। और जो छंदों के बंधन से मुक्त होते हैं, छंदों के नियमों का उल्लंघन करके या बंधन से मुक्त होते हैं, उन्हें मुक्तक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद का संस्कृत जगत में पहला उदाहरण भर्तृहर की रचना में मिलता है, शतक त्रय के रचयिता। लेकिन मुक्तक छंद का हिंदी जगत में सर्वप्रथम प्रयोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी है, रचना जूही की कली। जूही की कली में मिलता है, सूर्यकांत त्रिपाठी की यह रचना है, कहानी है जूही की कली में मिलता है। किसका? मुक्तक छंद का प्रयोग सर्वप्रथम। अब आपको हिंदी जगत में जो छंद पूछता है उसी छंद की मैं व्याख्या करने जा रहा हूं, जिसका नाम है मात्रिक छंद। आइए दोस्तों, लेके चलते हैं आपको मात्रिक छंद की तरफ। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद हमने बताया किसे कहते हैं। मात्रिक छंद के अंतर्गत तीन छंद आते हैं, अर्थात मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंदों की तरह मात्रिक छंद भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से सुन लीजिए। नंबर एक है सम मात्रिक छंद, नंबर दो है अर्ध सम मात्रिक छंद, नंबर तीन है विषम मात्रिक छंद। प्रश्न ये उठा सम मात्रिक छंद किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जिस छंद के चारों चरण में समान मात्राएं होती हैं, अर्थात मान लिया जाए इसमें 16 तो इसमें 16, इसमें 16 तो इसमें 16, अर्थात जिस छंद के
चारों चरण, अब जरूर नहीं कि 16 ही आए, चारों चरण में समान मात्राएं हो, समझ जाइएगा सममात्रिक छंद है, नाम से स्पष्ट है सममात्रिक, समान मात्राएं चारों चरण में। चारों चरण में जिस छंद के चारों चरण में समान मात्राएं हो उसे कौन सा छंद कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। जिस छंद के लिखा है अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सम आधे समान, मतलब ये विषम विषम आपस में समान और ये सम सम आपस में समान, मतलब जिस छंद के विषम चरण और सम चरण ये आपस में समान होते हैं, मतलब विषम चरण आपस में समान एवं सम चरण आपस में समान हो तो कौन सा छंद? अर्ध सम मात्रिक छंद, मतलब विषम विषम आपस में समान सम सम, मान लिया जाए 13 13 11 11 11 11 13 13 12 12 7 7 15 15 13 13, मतलब विषम विषम आपस में समान हो और सम सम आपस में समान हो, ये आपस में समान हो दोनों और ये आपस में समान, तो कौन सा छंद? अर्ध सम मात्रिक छंद है। और जिस छंद के चारों चरणों में समान मात्राएं न हो, मतलब असमान मात्राएं हो चारों चरणों में, कौन सा छंद है? विषम मात्रिक छंद। अब आपको कुछ प्रमुख सम मात्रिक छंद के बारे में बताते हैं।